गुड मॉर्निंग फ्रेंड, आज हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पार्ट नंबर वन। इसमें थ्योरी भी देखेंगे, इसके बाद न्यूमेरिकल देखेंगे। हम लोग देखेंगे चार्ज कैसे किसी बॉडी पर क्रिएट होता है, कैसे आता है। और आप लोग सिंपल देखते होंगे कि एक पेन को हम ऐसे बाल में रगड़ के और क्या करते हैं, छोटे छोटे पीस ऑफ पेपर को देखते हैं, अट्रैक्ट होता है तो बच्चे खुश होते हैं। एक्चुअली वह क्यों होता है? ड्यू टू चार्ज के कारण। वह चार्ज के कारण ऐसा जब हम रब करते हैं तो इस पर एक टाइप का चार्ज आ जाता है और हमारा पीस ऑफ पेपर न्यूट्रल होता है, वो अट्रैक्ट होता है। दूसरा, कभी कभी हम लोग देखते हैं कि ठंडी के टाइम में जब हम स्वेटर निकालते हैं तो उसमें चड़चड़ाहट की आवाज आती है। उसमें क्या होता है, जब तेजी से हम निकालते हैं तो हमारे हमारे बॉडी और उसके बीच एक फ्रिक्शन होता है और उसके कारण चार्ज जनरेट होता है और वह उसके कारण वो होता है। तो हम लोग यहाँ तो चार्ज देखे कैसे। एक तो हम लोग चार्ज ड्यू टू फ्रिक्शन, जब एक बॉडी को ठीक है दूसरे बॉडी पे पर रब करेंगे तो एक पर पॉजिटिव आएगा और एक पर निगेटिव। यह चार्ज कैसे क्रिएट हो रहा है? ड्यू टू फ्रिक्शन, फ्रिक्शन के कारण यह चार्ज जनरेट होता है। ठीक है, दूसरा होगा चार्ज ड्यू टू कंडक्शन। सपोज मान लीजिए यह चार्ज बॉडी है, यह पहले से चार्ज बॉडी है, प्लस प्लस मान लीजिए चार्ज है, और एक अनचार्ज बॉडी है। जब इसको टच कराएंगे, जब टच कराएंगे तो इसका पॉजिटिव पॉजिटिव इस डायरेक्शन में जाएगा और इस पर यह चार्ज क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, यह चार्ज डी टू कंडक्शन होगा, किसी वायर से कनेक्ट करेंगे तभी तो यह चार्ज डी टू कंडक्शन होगा। थर्ड होगा, थर्ड होगा चार्ज ड्यू टू इंडक्शन। इंडक्शन क्या होता है? सपोज मान लीजिए कि यह एक बॉडी है, यह एक बॉडी है और इसमें चार्ज खूब है और यहां इसके पास ले आएंगे तो इसको टच नहीं कराएंगे, लेकिन इसके पास आज क्या होगा, एक चार्ज आ जाएगा बिना टच कराए। तो क्या होगा यहां पर, ये चार्ज कैसे आया? ड्यू टू इंड्यूस, इसके प्रेरणा के कारण, मतलब उसको बोलते हैं प्रेरित चार्ज या इंड्यूस चार्ज। इस पर कौन सा चार्ज आएगा? इंड्यूस चार्ज। ठीक है, अब हम ये चार्ज तो कैसे क्रिएट होगा, कैसा होता है? बेसिकली इसको बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया था कि चार्ज दो टाइप का होता है, कौन कौन सा? पॉजिटिव और निगेटिव। किसने बताया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन कौन थे? एक फिलोसफर भी थे, पॉलिटिशियन भी थे और एक साइंटिस्ट भी थे। ठीक है, तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया कि जो चार्ज रब्ड करने पर, इंड्यूस करने पर, कंडक्ट करने पर जो चार्ज क्रिएट होता है, चाहे वो थंडरिंग और लाइटनिंग में जो चार्ज क्रिएट होता है, सभी चार्ज क्या होता है, या तो वो पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव होगा, या तो निगेटिव होगा। ठीक है, इसके बाद एक साइंटिस्ट आए, मिल्कन। मिल्कन का ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट बहुत फेमस है, ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट क्या था? इसके थ्रू जो चार्ज, किसी जो ई का वैल्यू है 1.6 इंटू 10 टू द पावर 9 इन कूलाम, कूलाम किस मतलब कि ई का वैल्यू, जो चार्ज कैसे क्रिएट होगा, कितना वैल्यू होगा, वह उन्होंने कैलकुलेट करके निकाला। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होगा उसका वैल्यू उन्होंने निकाला ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से।
ठीक है। अब हम लोग देखेंगे आगे, चलिए अब कूलॉम्स लॉ देखेंगे। कूलॉम्स लॉ क्या होता है कि यह दो बॉडी है, दो पर कोई भी चार्ज है, पॉजिटिव है निगेटिव है, अब वो उसका नेचर कैसा होगा। सपोज दोनों पर पॉजिटिव चार्ज है, उससे पहले हम थोड़ा सा डिस्कस कर लें कि पॉजिटिव और पॉजिटिव चार्ज होगा तो इसमें क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, और पॉजिटिव और निगेटिव होगा तो क्या होगा, रिपल्सन होगा, ठीक है, और निगेटिव निगेटिव होगा तो अट्रैक्शन होगा, ठीक है। न्यूट्रल होगा, न्यूट्रल हो या पॉजिटिव हो या निगेटिव हो तब पर भी अट्रैक्शन होगा, ठीक है। कैसे, देखिए जब हम पेन को रब करते हैं हेयर से और फिर इसके बाद पीसा पेपर, पीसा पेपर न्यूट्रल होता है तो अट्रैक्ट होता है, इसलिए न्यूट्रल न्यूट्रल के बीच न्यूट्रल पर चार्ज जीरो होगा, न्यूट्रल और पॉजिटिव हो या निगेटिव हो उसके बीच हमेशा अट्रैक्शन होता है। अब इसकी वैल्यू कितना होगा इसका कूलॉम्स ने किया। देखिए कूलॉम का जो लॉ है वो पॉइंट चार्ज के लिए, सपोज मान लीजिए यह चार्ज इसके पूरे बॉडी पर डिस्ट्रीब्यूटेड है दोनों बॉडी पर, तो इसका होल चार्ज हम कहां लेंगे, सेंटर पर। तो सब यहां से इस सेंटर से इस सेंटर के डिस्टेंस यदि हम इसको स्मॉल r से डिनोट करते हैं और इस पर चार्ज q1 है और इस पर चार्ज q2 है तो यह किस पर डिपेंड करता है, फोर्स प्रोपोर्शनल टू q1 इनटू q2, यह इक्वेशन नंबर वन, और दूसरा यह प्रोपोर्शनल टू वन अपॉन स्क्वायर लॉ, इनवर्स स्क्वायर लॉ, यह जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स के ही तरह होता है, जैसे देखेंगे उसमें जी एम ई एम अपान आर स्क्वायर होता है तो इसमें भी आर स्क्वायर, इसमें भी जहां यहां उसमें यम वन यम टू था इसमें क्यू वन क्यू टू है। अच्छा इसमें भी मीडियम, जैसे सपोज मान लीजिए कि यह एयर है तो एयर में इसका कुछ वैल्यू होगा और कोई मीडियम में ले जाएंगे तो उसका मीडियम के अकॉर्डिंग वैल्यू चेंज होगा। तो कैसे चेंज होगा, यह इज इक्वल टू ओ क्यू वन क्यू टू अपान, यहां के लिख दीजिए, के लिख दीजिए, ठीक है, अपान आर स्क्वायर, यह है कूलॉम्स का लॉ। और के का वैल्यू यहां करते हैं वन अपान फोर पाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू क्यू वन, हाँ यह इसका वैल्यू होता है, ठीक है। इसका जो वैल्यू मैथमेटिकल कैलकुलेट करते हैं 9 इंटू 10 टू दी पावर 9, ठीक है, यूनिट एसआई यूनिट में लिख लेंगे, ठीक है। तो रिलेटिव परमिटिविटी क्या होता है, रिलेटिव परमिटिविटी मान ली एप्सिलॉन यह मीडियम की परमिटिविटी है और एप्सिलॉन नॉट यह एयर की, एयर का परमिटिविटी, तो इसको लिखते हैं परमिटिविटी ऑफ मीडियम अपॉन परमिटिविटी ऑफ एयर इज इक्वल टू के, या इसी को बोल देंगे रिलेटिव परमिटिविटी, और इसको फिर ऐसे कर सकते हैं एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो एयर के लिए एयर का, या इसको के भी कर सकते हैं, यहां पर हम लोग के भी कर सकते हैं, के भी कर सकते हैं, तो एयर के लिए के का वैल्यू क्या होता है वन, ठीक है। अब यहां पर हम लोग जो कूलॉम्स लॉ था एफ इज इक्वल टू वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन के रखेंगे, यहां रिलेटिव पर के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर, यह है कूलॉम्स का और फोर्स है तो फोर्स का यूनिट न्यूटन होगा, ठीक है। अब हम इसके बाद इस पर और देखेंगे, तो एप्सिलॉन का वैल्यू क्या होता है, एप्सिलॉन जीरो का वैल्यू 8.85 इनटू 10 टू द पावर और -12 एसआई यूनिट में, एसआई यूनिट में होता है, और वन अपान फोर पाई एप्सिलॉन के प्लेस पर हम 9 इंटू 10 टू द पावर 9
एसआई यूनिट लिखेंगे, एसआई, ठीक है। इसको अब यदि यह वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज इसको लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए।